हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी और राखी की रसोई में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन पे ऑन करें। मेथी के खस्ता नमक पारे, ये बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये आप चाय के साथ स्नैक्स में रख सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा ले लिया है, यानी रिफाइंड फ्लावर। यहाँ पे मैंने एक बाउल में ऑयल ले लिया है डीप फ्राइंग के लिए, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक और 1/4 कप ले लिया है सूजी। और यहाँ पे 2 चम्मच ले लिया है मैंने कसूरी मेथी और 1 गिलास में पानी ले लिया है मैदा कूटने के लिए। अभी स्टार्ट करते हैं। मैदा में हम नमक डाल देंगे, अजवाइन, सूजी डालेंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे, 6 टेबल स्पून ऑयल मोन लगाने के लिए। इससे नमक पारे काफी क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसको इसमें मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमने इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। ऐसे मिक्स होने का आपको ऐसे पता चलेगा, ऐसे मुट्ठियाँ बनने लगेंगी आपके मैदे की, इस टाइप से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूथ लेंगे और हमें इसका रोटी के जैसा डो बनाना है, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा सॉफ्ट। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ लेंगे इसको अच्छे से। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है आपको, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसको ऐसे बाइंड कर लें, और नॉर्मल पानी लेना है। डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे से मसल लेंगे। अब हम इसकी इक्वल मात्रा में गोलियां तोड़ लेंगे। अब हम गोलियों को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके घुमा के गोल गोल बना लेंगे लोइयां, इस तरीके से। अब हम लोई ले लेंगे और इस पे थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं, और इसको ऐसे घुमा घुमा के बेल लेंगे। इस तरीके से हम इसको घुमा घुमा के हमें ये पतला बेलना है। हमें इसको चारों तरफ से अच्छे से बेल लेना है, कहीं पतला या मोटा ना रह जाए। एक सा बेल लेना है हमें चारों तरफ से इसको। अब हम एक नाइफ चाकू ले लेंगे और उसको इससे पतला पतला लंबाई में स्ट्रिप्स जैसा कट कर लेंगे। आप चाहे तो आप किसी भी शेप में, आपको जो भी पसंद है वैसे इसको कट कर सकते हैं। अब हम इनको एक बर्तन में अलग रख देंगे। इसी तरीके से हम सारी लोइयों को बारी बारी करके बेल के कट कर लेंगे, इस तरीके से। इसको घुमा लेंगे और इसको ऐसे चाकू से निकाल देंगे। सारी नमक पारों को हमने कट करके रेडी कर लिया है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और नमक पारों को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे सेकना है।
अब हम कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, अभी ऑयल हमारा गरम हुआ है या नहीं, उसमें एक नमक पारा हम डाल के देख लेंगे। अभी ऑयल थोड़ा सा और गरम होगा। अब हम इसमें धीरे धीरे से अपने नमक पारे डाल देंगे। इनको थोड़ा थोड़ा करके हम इनको फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इस तरीके से तेल को रोटेट करते करते इस तरीके से हम इनको घुमा देंगे। अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लेंगे और इनको हल्के से पलट लेंगे। एक बार के नमक पारे सेकने में हमें 3 से 4 मिनट का समय लगता है। अब हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे। नमक पारे हमारे गोल्डन हो गए हैं, अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें बाकी के बचे हुए भी नमक पारों को इसी तरीके से सेक लेंगे। अब हम इन नमक पारों को, सारे नमक पारे हमारे सिक चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे और गैस बंद कर देंगे। हमारे नमक पारे बनके तैयार हो गए हैं। इनको हम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड थैंक यू।